इन दिनों लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और उनके सूने मकानों को चोर निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर सवाल खड़ा कर दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की अलकापुरी में रहने वाले रजत जायसवाल के सूने मकान से चोरों ने आभूषण सहित नगदी पर हाथ साफ कर दिया। मुखर्जी नगर के EWS में रहने वाले अतुल ठाकुर पिता स्वर्गीय भारत सिंह ठाकुर के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया है। परिवार जबलपुर में शादी में शामिल होने गया हुआ था। रविवार को परिवार लौटा तो निचली मंजिल के लोहे के मेन गेट का नकुचा उखड़ा हुआ था और ताला लटक रहा था। दूसरी मंजिल की दो अलमारियों के ताले तोड़कर चोर सोने की 3 अंगूठी, 1 सोने की चेन और पेंडल, 4 पायजब, 15 जोड़ चांदी की बिछुड़ी, 20-20 ग्राम के चांदी के 3 सिक्के, 1 मंगलसूत्र, पेंडल, 1 कान की बाली, 1 सोने की नथ और करीब 20,000 रुपए की नकदी साफ कर गए। करीब 1.5 लाख रुपए कीमत का सामान चोरी हुआ है। फिलहाल सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष थाने रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया है। तो घर आए देखा तो फिर पूरा ताला टूटा हुआ था और ये सब सामान फैला हुआ था। तो वही फिर पुलिस को बुला के हमने चेक करवाया, उन्होंने फोटो वगैरह लिए, सोना चांदी जो भी था वो लिस्ट वगैरह, सोना था चांदी था, मतलब काफ़ी सामान गया है। एटीएम से पैसे भी निकले हैं कुछ, तो वो सब चेक करना पड़ेगा। आप कैसा लगभग कितने का चोरी हुई है वो तो एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा लिस्ट एक बार। हम देख रहे हैं अभी, छोटा है, 1-2 लाख, 5 लाख के हिसाब से लगभग 1-1.5 लाख का तो कुछ होगा सामान। कुछ कैश भी थे क्या? कैश भी था। कितना कैश? करीबन वर्षा की अलमारी में 50-60 हज़ार रुपये। तो 50,000? आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस आके गई? हाँ, ये सिविल लाइन पुलिस को बुलाया था हमने, चेक करवाया, उन्होंने फोटो वगैरह ली है।